डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में जो डिफरेंट फैक्टर्स हम डिस्कस करते चले जा रहे हैं और आप लिटरेचर में भी पढ़ेंगे जो आपके लिए डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को आसान कर सकता है उनके पर्टिकुलरली अगर स्टेप वाइज हम देखना चाहें कि क्या हो सकते हैं डिफरेंट फैक्टर्स और प्रोसीजर में जो इन्वॉल्व हैं कि जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं तो एक्चुअली आप क्या करते हैं उस प्रोसेस में को किस तरह आप पूरे प्रोसेस को तय करते हैं इस पूरे साइकिल को सो सबसे पहले तो डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और इशू you have to define the problem um, uh, with a very realistic approach, pragmatic approach, in an unbiased manner. ap personal life mein, aap sometimes hota hai you feel frustrated or akshari dekne ko malta ye logo me janta la hai, tukusa and council personal life ko affect effect hai, professional life ko bhi effect hai. and the thing, विच इज़ मेकिंग दैम अनहैप्पी वो उनके बारे में बहुत क्लियरली आगा होते हैं लेकिन उसको फेस करने को तैयार नहीं होते या एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते द बेस्ट थिंग इज कि आपने कोई भी डिसीजन लेना है तो सबसे पहले रियलिटी का अंदाजा करके उसको एक्सेप्ट करें और उसको एक्सेप्टेंस के बाद में आप उसके बारे में फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन हासिल करने शुरू करें कि इज इट अ रियली एन इशू Is it really a problem which just needs to be addressed immediately? Or is opportunity? Is ye slackness? Where is the change really required? Is it at my personal level? Is it at a group level, organizational level? It is in my personality or in the situation beyond my control. So get very clear thoughts. पार्ट ऑफ दिस फेज इज फॉर आपने जब इसको डिटर्मिन कर लिया कि क्या फैक्टर है और आपने उसको किस तरह से तब्दील करना है तो एक गोल भी जहन में रखें कि आप इसकी तब्दीली करने के बाद असल में करना क्या चाहते हैं सो वेयर डू यू वॉन्ट टू गो और आपका वो गोल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है आपके माइंड में सो यू हैव नोन द प्रॉब्लम और द इशू और द थिंग विच इज मेकिंग लाइफ अनसर्टन फॉर यू और योर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस अनसर्टन अनसक्सेसफुल आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया एंड नाउ कीप अ गोल कि अच्छा ये चीज है एंड नाउ आई वॉन्ट टू डू दिस डोंट मेक चेंजेस फॉर द सेक ऑफ इट डोंट रन अवे फ्रॉम द रियलिटी बिकॉज आप उसको फेस नहीं कर सकते दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे सो आपने उसको आइडेंटिफिकेशन के बाद गोल अपने सामने रख लिया देन क्रिएट एंड इवेल्यूएट द चॉइस और अल्टरनेटिव वंस यू हैव द गोल इन फ्रंट ऑफ यू फिर आप देखिए कि उस गोल को अचीव करने की क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं नाउ यू नो द नेगेटिव साइड यू नो द थिंग विच इज वरिंग यू यू नो डू यू वांट टू गो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू गो टू गेट टू दैट प्लेस सो आपने उसके लिए सर्टन डिफरेंट ऑप्शन को कंपेरिजन करना है एक अच्छा वे ऑफ डूइंग दैट इज वेट वी कॉल फोर्स फील्ड एनालिसिस ये एक ल्यून फोर्स ने एक रिसर्च की थी जो कि नाइनटीन फिफ्टीज की है लेकिन बहुत यूजफुल है उसकी एक साइड पे आप सारे वो फैक्टर्स लिखते हैं जो कि आपको किसी काम के लिए आपके लिए सपोर्ट हैं स्ट्रेंथ हैं या जो आपको काम करने को मजबूर कर रहे हैं और दूसरे वो फैक्टर्स लिखते हैं जो कि आपके लिए ऑपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं रेजिस्टेंस का बायस हो सकते हैं और ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं फिर आप दोनों चॉइसेस को इक्वली उसके प्रोज एंड कॉन्स को वेट करें और वेट करने के बाद देखें कि कौन सी सिमत का पलड़ा भारी है और जिस सिम्स का पलरा क्लियर कट भारी हो उस तरह का इन ऑप्शन आप सेलेक्ट uh, करें और अगर कहीं ऐसी है कि कोई सिचुएशन इस तरह की है कि नेगेटिव वाले फैक्टर्स हैं और आप उनको भी एड्रेस करें तो ट्राई टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस फैक्टर एज मच एज यू कैन बिफोर टेकिंग द फाइनल डिसीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट विल मेक योर डिसीजन प्रोसेस ऑफ डिसीजन स्मूथ एंड कन्वीनियंट फॉर यू वंस आपने वो एक ऑप्शन का कंपेरिजन कर लिया सिचुएशन एनालिसिस कर ली कि क्या नेगेटिव चीज़ है क्या अनसर्टेनिटी है आप ने रियलिटी को फेस कर लिया आपने गोल अचीव अपने जहन में गोल बना लिया कि वेयर डू यू वांट टू तो गो आपने एक ऑप्शंस अपने हथियार अपने टूल्स आपने सेलेक्ट कर लिए कि किस ऑप्शन को आपने उठाना है देन यू टेक द डिसीजन देन यू रियली मेक द डिसीजन दिस इज़ अ क्रिटिकल स्टेप क्योंकि जब आपने एज अ लीडर कोई चीज़ डिसीजन अनाउंस कर दिया है Uh, तो फिर आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर ली उससे पहले एंड देन यू हैव टू स्टिक टू इट अगर आप बार बार उसमें तब्दीली करेंगे तो दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड स्ट्रेस नॉट ओनली टू योर सेल्फ बट ऑल द टीम मेंबर्स हु आर इन्वाल्व हु आर वर्किंग विद यू सो यू आर देन अकाउंटेबल फॉर एवरीबडीज टेस्ट लेवल सो अपना टाइम इससे पहले के स्टेप्स में जितना आप गुजार लें वो बेहतर है आप रिफ्लेक्शन करें और हमेशा याद रखिए कि कभी एक्साइटमेंट में कभी डिप्रेशन में और कभी एंगर में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए सो so आपने उसके इसको जितना प्रॉमिसिंग बना सकते हैं जो प्रॉमिसिंग सबसे ज्यादा ऑप्शन है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया डिसीजन ले लिया इम्प्लीमेंट द डिसीजन अप्लाई डिसीजन सूटेबिलिटी सूटेबली इट इज अ अल्यूशन टू एन एक्सटिंग प्रॉब्लम देन अप्लाई द डिसीजन टू रिजॉल्व द इशू इफ इट इज एन अपॉर्चुनिटी तो फिर आप इतनी पूरी कोशिश करें कि उस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम लेवल तक आप यूटिलाइज कर सकें अवेल कर सकें फलाह के लिए बेहतरी के लिए अपनी ज़ात के लिए और उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी प्रोफेशनली या पर्सनली आपके साथ इन्वाल्व है